नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं सोचती हूँ अब गुड मॉर्निंग नहीं, मैं नमस्ते से स्टार्ट करा करूँगी व्लॉग्स। सो हो गया है ये संडे की मॉर्निंग। नींद अच्छा नहीं, मॉर्निंग क्या, ये आफ्टरनून का व्लॉग मैंने बनाया हुआ है। दिन को थोड़ा सा कोल्ड था तो उसमें थोड़ा सुबह से बिजी निकल गया, उसको भाप दिया, मालिश वालिश करी। देन उसके बाद हम गए मार्केट, मार्केट पे कुछ सामान लेना था स्कूल के लिए तो वो सब करा। पूरे हफ्ते कुछ अमृत महोत्सव का चल रहा है, बच्चों का सामान लेना था। देन यहाँ मैं बनाने लगी थी अध्ययन के लिए सूप। अध्ययन ने, आर्या ने, इन्होंने सब में सूप पिया, मैंने नहीं पिया बट इन्होंने पिया। ब्रोकली एंड कॉर्न का सूप बना था, काफ़ी यमी सूप बना था। संडे तो और भी मेरा बिजी जाता है तो मैं तो कहती हूँ कि मेरे लिए वीकेंड वीकडे लगता है मेरे लिए, मे बी सारी हाउसवाइफ्स के लिए, वर्किंग ममाज के लिए, क्योंकि सारे लोग घर में होते हैं तो कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। और ये संडे थोड़ा और भी बिजी था क्योंकि बताती हूँ भी थोड़ी देर में क्यों बिजी था। सो ये अध्ययन आगे ब्लॉक के बीच में बिना वॉश किए वो उसने मुंह में डाल लिया था, मुझे बहुत गुस्साई थी, बहुत थोड़ा नॉटी है, अब काफ़ी मैच्योर थोड़ा समझदार हो रहा है लड़का, वरना बहुत नॉटी, इसको संभालना ना मेरे लिए एक टास्क होता है सच में। सो अध्ययन भी आ गए तो जब मैंने कहा चलो मैं तो ऐसे शूट करती हूँ, ये मेरा सूप बन के रेडी था। इन लोगों को काफ़ी पसंद आया, काफ़ी लाइट सा सूप बनाया था मैंने, काफ़ी पसंद आया सबने, बहुत ही मन से पिया इन लोगों ने। इसके बाद स्कूल की एक और एक्टिविटी थी जिसमें इन लोगों को कुछ तो अपना फ्लैग लगा कर मेन डोर पे कुछ बोलना था। ये हेमा जी की जो मेरी नेबर है उनके यहाँ कथा है तो वहाँ पे के लिए हमने बनाई पंजीरी, मनभोग और ये कड़ा प्रसाद, बहुत टेस्टी बना था। अध्ययन किसने हेल्प करी आपकी? पापा ने मेरे हेल्प किया थी। सो गुड यार, पापा को थैंक यू बोला। और ये सर, ये मैंने बनाया है, ये देखो गाइस। ओ भाई, उड़ भी रहा है दुगा थर्माकोल का प्लेन। और अगर आप उल्टा करोगे तो फिर ये मसूर है। बहुत सही यार। सो मैं जा रही हूँ अब सत्यनारायण भगवान की कथा में। हमारी नेवर हेमा जी, जिनको आपने मेरे साथ बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा होगा, दिवाली में, न्यू ईयर, नवरात्रि के ब्लॉग्स में, तो उनके घर पर उन्होंने रखी है सत्यनारायण भगवान की कथा। तो प्रसाद तो हम दोनों ने मिलकर बना लिया था, अब मैं घर आ गई थी, फिर मैं रेडी हो गई, अब मैं जा रही हूँ। और आर्य और बच्चे भी बस थोड़ी देर में रेडी होके, हस्बैंड मेरे रेडी होके वो भी आ जाएंगे आरती तक। कैसी लग रही हूँ मैं? तो मिलते हैं हेमा जी के घर पर, आपको भी कथा का थोड़ा सा झलकियाँ दिखाऊंगी मैं। बस पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, बट सारे चीज़ें अच्छी से हो गई, कार्यक्रम सारा उनका भी अच्छे से हो गया और मेरे भी सारे काम निपट गए अच्छे से। अब ये रात हो गई थी, अध्ययन के कुछ होमवर्क रह गए थे तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट ये कंप्लीट करा दूँ अब। सब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, आप सब भी ऐसे ही बिजी रहते होगे। बस ये सब दिखाने का एक ही मेरा तो मकसद था, मैंने ये चैनल ही इसलिए चालू किया था कि आप सब देखें कि एक हाउसवाइफ भी कितना बिजी रहती है, कितने काम होते हैं, प्लस जो भी लेडीज़ जो वर्किंग है उनके पास तो डबल काम होते होंगे।
सो कितनी मेहनत करती हैं आपकी मदर्स, आपके सिस्टर्स, आपके वाइफ्स। मैं ऐसा नहीं कहती कि जेंट्स मेहनत नहीं करते, वो भी करते हैं, उनका बट उनकी मेहनत को हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। सो अपने मम्मा को, अपनी बहन, अपनी वाइफ, सबको आप अप्रिशिएट कीजिए। ये मेरा लुक। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। थैंक यू।